300 सीटों पे आरएलपी का कब्जा होना चाहिए। जोधपुर, बाड़मेर, पाली, बीकानेर, मानगढ़, गंगानगर, सीकर, चूरू, चूरू से लेके अजमेर संभाग, भरतपुर संभाग, तमाम जगह अगर आप एकजुट हो जाओ और ये तय कर लो कि बोतल के सिम को वोट डालेंगे, न जाति देखेंगे न पार्टी देखेंगे, 70 से ज्यादा विधायक अकेले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राज्य करोगे क्या कि बीजेपी का टिकट किसको मिला आज उसे बीजेपी जाएंगे ढूंढते रह जाएंगे। तुम्हें बीजेपी कांग्रेस को देखा, तुमने 70 साल राजस्थान से, 50 साल से देख रहे हो, 25-30 साल से मैं देख रहा हूँ। कांग्रेस हार गई, भाजपा जीत गई, तो कौन सा भला हो जाएगा तुम लोगों को? कर्जा जो है किसानों पर, नमक का या उद्योग है, कुछ लोगों का हाथ पे चला गया, कितनी बड़ी तकलीफ के अंदर नवा का इलाका, देश ने नवा का और ये सांबर जीरे इसका नमक खाया हिंदुस्तान ने। भाइयों अभी तक बहुत आबाद इलाका हो जाएगा, दुर्भाग्य इलाका आबाद नहीं हो पाया हमारे नेताओं की कमजोरी की वजह से। पहले तो हमें ऐसे नेता मिले 50 साल तक जो ये भाषण देते थे बिजली आएगी तो करंट आएगा, लड़कियां पटेगी तो भाग जाएगी, रेल आएगी तो चोर आएंगे, और तुम उनको वोट देते रहे। फिर नवा वालों के एक सीट में भाजपा का चिन्ह दिखना चाहिए, मुद्दे पड़ते हो और बाद में कहते हो ये आदमी ठीक नहीं है। मेरे से बढ़िया आदमी आपको राजस्थान में देश में कहीं नहीं मिलेगा, तो लड़ रहा आपके लिए, संघर्ष कर रहा है, और मैं इन चीजों का भी ध्यान रखता हूँ कि किसको क्या तकलीफ है, तकलीफ की दवाई क्या है, ये भी हमने मेरे को ध्यान रखता है। मुझे लंबी लड़ाई राजस्थान से लड़नी है, कई तरह के संकट आएंगे, कई तरह की तकलीफें आएगी, कई बार माइक बंद हो जाएंगे, कई बार बैनर भी उतर जाएंगे, हिम्मत नहीं हार गई, उतर जाएंगे, दूसरे दिन दोबारा ज्यादा लग जाएंगे। इन बेचारों की मजबूरी अपन भी जानते हैं, इनके पीछे वो नागौर का कलेक्टर है, वो डंडा लेके पीछे पड़ा हुआ, इतना मेच्योर आदमी नहीं है, किताब पढ़ता रहता दिन भर। आपने मोगली देखा, एक मोगली मूवी, एक मोगली मूवी है और वो सुपर मोगली नागौर वाला, वो सुपर मोगली इनको तंग करता है, इसलिए भागते रात अब ये भी हमारी तकलीफ है। तो सुपर मोगली के लिए भी बात करेंगे आजकल में। मैं सोच रहा हूँ कोई लोग आगे आएंगे, कोई भी नहीं आगे, मुझे आना है हर जगह, मुझे टाइम नहीं मेरे भाइयों। सत्ता संकल्प यात्रा पूरा सेकावटी अंतर राजस्थान का इलाका बाकी पड़ा है। मैं प्रयास करूंगा कि मेरे भाइयों के लिए जो 20 साल में लड़ाई लड़ी देश में, जब किसान तकलीफ में था, जवान तकलीफ में था, कोई सड़क पर नहीं आया, सत्ता छोड़ के सड़क पर आया तो नागौर का सांसद आया, तीनों विधायक सड़क से लेकर सदन तक लड़े, महिला की चीख पुकार नहीं हो, नारी अबला की चीख पुकार नहीं हो, कोई छोटा भाई आत्महत्या नहीं करे बेरोजगार से तंग आके, कर्जे के बोझ के तले किसान आत्महत्या नहीं करे, ये गुंडा बदमाशी का शासन सिस्टम खत्म हो, और ये बंद कमरों के अंदर बैठ के जो सौदेबाजी होती है ये खत्म हो। कैसे खत्म होगी बताओ? सरकार जो होगी, सरकार कौन बनाएगा? आप बनाओगे, चिन्ह के पीछे भाग जाओगे, सरकार नहीं बनेगी। इस बार ताकत के साथ मुझे आश्वस्त करो कि नावा की सीट पे आरएलपी को जिताओगे, ये दोनों हाथ खड़े। देखिए मैंने मीटिंग पूछा, मैंने नाम मीटिंग रखने का उचित था कि नावा से राजस्थान से अगर नावा में आरएलपी आ गई तो 225 सीट आएगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, अपनी ताकत के अंदर बैठे 4-4.5 साल अगर मलाई खाली, अब आ जाओ कूद के आचार संहिता लगी, कोई दिक्कत नहीं, अब कोई तुम्हें डर नहीं है किसी बात का, तो मुझे पुकार लेना। और बीजेपी के अंदर बैठे और वो बीजेपी छोड़ना नहीं चाहते तो डेपुटेशन पे एक बार आरएलपी में आ जाओ, एक बार वोट आरएलपी पार्टी को दे दो, और तुम्हें लगे कि आरएलपी ठीक तो वापस चले जाना, और लगे कि ठीक है तो आरएलपी पार्टी तो एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी, हमने तो प्रयास किया था, 25 सीट जो मिली थी राजस्थान के अंदर मेरी बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन किसान जवान हनुमान सत्ता छोड़ के आया, और आगे भी सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ, टोल पे जाओगे टोल देना पड़ता है, बिजली वाला विचार भर देता है, किसान का माल मंडी में जाता है तो किसान का माल नहीं खरीदे जाता, ये कह देता है कि इसके दाग लगा दागदार है। भाई गरीब आदमी जब फंसता है उसको सुनने वाला कोई नहीं, थाने तहसील में जाओगे तहसीलदार ठंडा ढंग से बात नहीं करेगा, अगर मेली धोती फटी धोती और जूती मिलाओ करके बाहर निकाले तो एक दुकानों पर मिलेगा।
इस व्यवस्था को कौन बदले? इस व्यवस्था को बदलने के लिए आपको लोकतंत्र में जो वोट का अधिकार दिया उससे व्यवस्था बदले। इस बार तय कर लो कि ना हमने कांग्रेस चलेगी ना बीजेपी, इस बार आरएलडी पार्टी को नावा से जीता दिया। मैं विश्वास दिलाता हूँ 70 से ज्यादा सीटें अकेले हरी की पार्टी जीतेगी बिना किसी के गठबंधन के। तैयार हो जाओ, मजबूती से नारा दो, मैं नारे लगाऊंगा 3-4, आप मजबूती देना। बोले चया जी महाराज की जय, राम साहब पीर की जय, जय माता की जय, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी घूमते घूमते थक गया, सत्ता का आनंद नहीं लिया। आपका मैंने तो 2 बार सत्ता मांगी है, बताओ। सुनो मेरी बात, मेरे को कहाँ से लाओ? मैं तुम्हें लड़ना चाहता हूँ। तुम बिखर जाते हो, कोई जाति में बिखर जाता है, कोई गुट में बिखर जाता है। अभी जो टिकट मांग रहे हैं अलग अलग पार्टियों की, अभी जो बातें कर रहे हैं, और फिर पता लगे